हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एनजी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। मैं नीति जैन, आज मैं इस अपनी कंप्लीट वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे NIOS में पास हो सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने NIOS के एग्ज़ाम्स दिए हैं लेकिन वो पास नहीं हो पाए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अदर बोर्ड से हैं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने यूपी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, बिहार बोर्ड से अपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे, बट उनको अभी भी प्रॉब्लम होगी कि वो पास नहीं क्लियर नहीं कर पाए हैं अपने एग्ज़ाम्स। तो मैं इस कंप्लीट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो NIOS में। आप ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखो और मुझे बताओ अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। एज वी कैन सी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो NIOS के एग्ज़ाम्स देते तो हैं लेकिन उनकी समटाइम्स SYC, SYCT, किसी के रिजल्ट में XXX एंड SYCP इस तरीके से लिखा होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आप मार्च में एग्ज़ाम दे सकते हो, अब आप एग्ज़ाम फीस भर के एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम फीस भरनी है और उससे आप अपने एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। सेकंड केस, अगर आप चाहते हो, आप एग्ज़ाम्स को जल्दी देना चाहते हो, आप चाहते हो कि यू डोंट हैव टाइम, यू वांट टू टेक एडमिशन इन अदर यूनिवर्सिटी एंड एनीवेयर, सो यू कैन अप्लाई फॉर द ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स। ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स विल बी इन जनवरी, फेब्रवरी, मार्च। ये एग्ज़ाम्स इस 3 मंथ्स में होंगे। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है जनवरी में एग्ज़ाम देना चाहता है तो ऑलरेडी NIOS का स्टूडेंट है तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। सेकंड, एंड जो स्टूडेंट्स NIOS के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऑप्शंस इस टाइम अवेलेबल हैं। ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स क्या होते हैं? अब आप पूछोगे मैम ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स में होता क्या है? ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स वो होते हैं जैसे जब आप चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम्स हो, आपके कंफर्टेबल जोन के हिसाब से एग्ज़ाम हो और आप जल्दी एग्ज़ाम देना चाहते हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, कहते हैं मैम मैंने तो अपनी जो 12th करी है वो पंजाब बोर्ड से करी है, तो क्या मैं NIOS एग्ज़ाम दे सकता हूँ? येस यू कैन। अगर आपने पंजाब बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और आपने मान लो कॉमर्स स्ट्रीम में आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, बट अब आप चाहते हो साइंस लेना, लाइक यू वांट टू टेक बायोलॉजी, यू वांट टू टेक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आप ले सकते हो। जैसे इस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आए हैं जिन्होंने ये बोला है कि हमें PCB चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें फार्मेसी करनी है, हमें बायो चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास PCM थी लेकिन उन्हें बायो चाहिए अब, क्यों? क्योंकि वो फार्मेसी में जाना चाहते हैं, डी फार्मा बी फार्मा करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एक या दो सब्जेक्ट्स देख के अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हो। NIOS हैज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इट। आप चाहे किसी भी बोर्ड से आपने किया हुआ, आप एक दो तीन जो भी आप देना चाहते हो एग्ज़ाम्स, अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके एग्ज़ाम्स छूट गए होंगे या फिर उन्होंने 10th 12th इनकम्प्लीट रह गई होगी उनकी, कभी कोविड टाइम पर या फिर उससे पहले उनके एग्ज़ाम्स इनकम्प्लीट रह गए होंगे, तो दे कैन ऑल्सो गिव एग्ज़ाम्स इन NIOS इन 1 मंथ। तो जो इसका रिजल्ट होते हैं ये 45 डेज में आते हैं। अगर आपने जनवरी में एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो 45 डेज में आपका आ जाता है। जैसे अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको संस्कृत की रिक्वायरमेंट थी, जो अभी KVS इनकी वैकेंसीज निकली हैं, तो बहुत सारी गर्ल्स थी जिन्होंने बीएड भी कर ली थी, बीएड कंप्लीट कर ली थी, अब वो ग्रेजुएट भी हैं, बीएड भी हैं, मास्टर्स भी हैं, बट उनको अपनी 12th क्लास में संस्कृत की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने संस्कृत के एग्ज़ाम दिए, सेप्टेम्बर में उनके एग्ज़ाम्स थे और उनके रिजल्ट आ गए एंड दे ऑल आर क्लियर। तो अब KVS की वैकेंसीज भरी निकली हैं तो वो उसको फिल कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसे ऐड सब्जेक्ट का या चेंज सब्जेक्ट का ऑप्शन भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप NIOS के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो भी आप अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप NIOS के स्टूडेंट नहीं हो, आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो भी आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो। और दूसरा, एक स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि जैसे सपोज़ मानो उन्होंने 10th करी 2020 में, तो जो उनकी 12th होगी ना वो 2022 में ही होगी, तो ये स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि 2020 में उनकी 10th हुई है तो
एडमिशन NIOS में लेकर दे वॉन्ट कि 2021 में उनकी 12th क्लियर हो जाए, बट नो, अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द NCET, अकॉर्डिंग टू द CBSE, NCERT, MHRD, ये रूल है कि 1 ईयर का गैप 10th और 12th में होना चाहिए. सो इट इज़ मैंडेटरी. आप ऐसे कर सकते हो कि आप 2020 में जब आपकी 10th क्लियर हुई है तो आप उसके बाद 2021 में आप एडमिशन ले लो, ठीक है, NIOS के अंदर. फिर उसके आप 6 मंथ करके आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो, अक्टूबर सेशन और अप्रैल सेशन, इसमें आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो. तो यू कैन डू इट, बट ऐसा नहीं है कि आप सारे एग्ज़ाम्स जल्दी दे सकते हो. तो इट इज़ नॉट अलाउड इन NIOS एंड एनीवेयर, नॉट ओनली इन NIOS. सो ये NIOS में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. तो मैं वही कहूँगी जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई बीच में रह गई है या वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो NIOS बोर्ड इज़ अ वेरी गुड बोर्ड. अब कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि NIOS की वैल्यू है या नहीं है. स्टूडेंट्स, NIOS की पूरी कंप्लीट वैल्यू है. जो भी लोग आपको बोलते हैं कि NIOS की वैल्यू नहीं है, दे टेल यू रॉन्ग थिंग. NIOS हैज़ फुल वैल्यू. NIOS में ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर वैल्यू ना होती तो आई डोंट थिंक सो कि ये बोर्ड मतलब इतना वैलिड होता, या फिर आप इतने टाइम तक ये बोर्ड चल रहा होता. दिस इज़ नॉट अ वैलिड, कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये बोर्ड वैलिड नहीं है, ठीक है. तो इसकी पूरी वैलिडिटी है. आप चाहे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स दो. और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जो NIOS वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो नीट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं. आपको पता ही होगा ना नीट का एग्ज़ाम कितना बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो वो नीट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं. सो हु सेड कि NIOS की वैल्यू नहीं है. तो NIOS की पूरी वैल्यू है. इनफैक्ट आप CBSE की साइट पे जब जाओगे तो आप देखोगे जो बच्चे CBSE से फेल हो जाते हैं या फिर CBSE में उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, तो NIOS में वो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट लेके भी अपने एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं. CBSE से वो NIOS में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो ऑफकोर्स इट इज़ अलाउड इन MHRD. सो हु कैन से कि NIOS की वैल्यू नहीं है. NIOS से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, UPSC के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो इट इज़ अलाउड. नाउ क्लैट का एग्ज़ाम आप सबको पता ही है, इट इज़ फॉर द लॉयर्स. लॉयर्स के लिए ये एग्ज़ाम होता है. जो बच्चे LLB करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, वो क्लैट का एग्ज़ाम देते हैं. मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो हमारे यहाँ से NIOS से 12th कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ मॉर्निंग बैचेस लेते हैं कि वो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस लेके NIOS से PCB लेके वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, आर्ट्स लेके वो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, LLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो दे आर मैनेजिंग देयर टाइम. आप लोग भी अगर आप NIOS के स्टूडेंट हो, आप NIOS से कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट ऑल स्टूडेंट्स कि आप साथ साथ कोई ना कोई कोर्स करो, साथ साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जिससे अपने टाइम को राइटली यूज़ कर सको. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो BA LLB कर रहे हैं, क्या करते हैं वो NIOS से 12th करते हैं ह्यूमैनिटीज़ लेकर, ठीक है, साथ में लीगल स्टडीज़ का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. सबसे अच्छी बात जो मुझे NIOS के अंदर लगती है, देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू चूज द सब्जेक्ट्स. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको स्कूल के अंदर एक कोई अच्छे सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटीज़ नहीं मिल पाती है. जैसे मान लो मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, ठीक है, बट मुझे LLB करनी है आगे जाके, बट मेरे स्कूल में लीगल स्टडीज़ नहीं है, तो वॉट आई विल डू, मैं किसी और स्कूल में ट्राई करूँगी, वहाँ भी नहीं है. बहुत कम स्कूल है जिसमें लीगल स्टडीज़ प्रोवाइड कराई जाती है सब्जेक्ट, तो बच्चे ये नहीं पढ़ पाते. स्कूल देता ही नहीं है क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हायर करनी पड़ती हैं उस सब्जेक्ट के लिए, तो स्कूल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है. CBSE में है ये सब्जेक्ट, बट स्कूल नहीं प्रोवाइड करता है. तो NIOS के अंदर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो, अपने एग्ज़ाम्स को दे सकते हो. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्लैट की साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं. जैसे ही उनकी 12th हो जाती है, उसके बाद वो क्लैट के थ्रू उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है. जैसे क्लैट के एग्ज़ाम्स अभी दिसंबर जनवरी में होंगे, तो इस तरीके से. तो बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, आप हमसे ले सकते हो. अब नाउ मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे बोलते हैं मैम NIOS में कैसे पास हों, कैसे हम उसको क्लियर करें, कैसे हम सब्जेक्ट पास करें. तो मैं उसको एक आपको तरीका बताती हूँ आपको किस तरीके से NIOS के सब्जेक्ट्स को पास करना है, किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं. इसका एक ही तरीका है, आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से करो। हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जिससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने कुछ समझाया हुआ है, पैटर्न किस तरीके से आता है आप वो समझो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताए हुए हैं आप उनको करो। ये ध्यान रखो कि असाइनमेंट्स वाले चैप्टर कौन से हैं उन्हें नहीं करना, बाकी जो लेफ्ट चैप्टर्स हैं उनको करना है। जैसे आप जानते होंगे NIOS के अंदर 11th क्लास का 25% सिलेबस आता है, ठीक है, और बाकी सिलेबस जो होता है वो 12th क्लास का होता है। ऐसी 9th क्लास का 25% सिलेबस आता है और बाकी 10th क्लास का रिमेनिंग सिलेबस आता है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से सिलेबस को बांट के पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये कहना है आपसे कि आप क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से करो। सेकंड, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उनको अच्छे से करो। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स करने बहुत ज़रूरी हैं। आप देखो कि असाइनमेंट्स में कौन से चैप्टर हैं उन्हें मत करो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके पढ़ो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, है ना। तो आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लो, अपने टीचर्स से पूछो, अपने AI सेंटर्स में जाओ या फिर आप अपने एक्सपर्ट किसी टीचर से पूछो कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। शेड्यूलिंग बनाओ, अपनी शेड्यूल बना के पढ़ाई करो, ठीक है। टाइम को अच्छे से सेव करो क्योंकि आप लोग स्कूल नहीं जाते हो तो आपको अपना उस हिसाब से टाइम मैनेज करना है। जो बच्चे जॉब भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जॉब भी करते हैं, वर्किंग हैं और वो NIOS से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप किसी एक्सपर्ट ओपिनियन लेके अपनी पढ़ाई करो। सारा सिलेबस करने से अच्छा है जो मेन चीज़ें आप उनको उनके ऊपर फोकस करो। एंड स्टूडेंट्स आपको और भी जो भी डाउट्स हैं NIOS को लेके या फिर इग्नू को लेके, कोई भी आप लोगों को डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल का नेम है, आप इसको फॉलो करो। जो भी कोई डिटेल्स हैं आप इस पर अपना मैसेज कर सकते हो, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर सकते हो। आवर टीम विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। ये मेरी बिजनेस वेबसाइट है, यू कैन गो ऑन इट। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप इस पर भी जाके अपनी जो भी आपको कमेंट है या फिर जो भी आपको क्वेरी है आप कर सकते हो। मैं आपको जो भी कोई रिलेटेड आपको NIOS से रिलेटेड कोई भी क्वेरी लगती है, लाइक एग्जाम से रिलेटेड, हाउ टू डू द प्रिपरेशन, असाइनमेंट से रिलेटेड, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो।